आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन अ यूकेरियोटिक सेल। अब एक यूकेरियोटिक सेल में कौन सा ऐसा स्टेज है सेल साइकिल का जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिंथेसिस की बात करें तो जो एस फेज है, एस फेज हमारा कौन सा फेज होता है? सिंथेसिस फेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ये एक फेज है सेल साइकिल का जहाँ पे जो डीएनए है वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, ठीक है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड जो एस फेज है ये हमारा कहाँ आएगा, जो जीवन फेज होता है, जीवन फेज एंड जी टू फेज के बीच में आएगा, ठीक है। जो हमारा एस फेज होता है वो जीवन फेज और जी टू फेज के बीच में आता है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट डुप्लीकेशन है जीनोम का होगा, ठीक है, ताकि सेल डिवीजन हो सके। तो जितने भी प्रोसेसेस एस फेज में चल रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं एंड कंजर्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे एस फेज में जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होंगे वो कैसे होंगे, टाइटली रेगुलेटेड और वाइडली कंजर्व्ड, ओके। सो यहाँ पे ये जितने भी फंक्शंस हमारे सिंथेसिस फेज में चल रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड होंगे और ज़्यादा कंजर्व्ड होंगे, ओके। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका भी सिंथेसिस होगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन बी, जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस होगा एस फेज में सेल साइकिल के इन यूकैरियोटिक सेल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।